Hi guys, welcome back to my channel. My name is Shelly Jain. I hope you all are doing well and safe at your homes in this COVID-19 by staying at your homes. So let's get into the topic today. Today's topic is dandruff, as you might have seen in my caption as well. So before we start talking about dandruff, you need to understand that there are a different kind of a dandruff and you need to treat your dandruff accordingly that, right? So सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का dandruff है, right? तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे तीन तरीके के डैंड्रफ होते हैं. तो एक होता है बेसिक डैंड्रफ, वो नॉर्मली सबको होता है, बहुत ही मतलब यू नो दे आर वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल जिनको वो भी नहीं होता हो, बट वो होता है, वो नॉर्मल होता है, वो सबको होता है एंड दैट इज़ सीजनेबल. तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली जो वॉश करते हैं या नॉर्मली जो आपको हेयर ऑयलिंग करते हैं उसमें वो ओके होता है, राइट. उसके अलावा अगर हम लोग जाते हैं दूसरे तरीके के डैंड्रफ पे, एंड दैट इज़ अ ड्राई डैंड्रफ एंड अ ऑयली डैंड्रफ. ओके, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ड्राई डैंड्रफ क्या होता है एंड ऑयली डैंड्रफ क्या होता है. तो मैं आपको बताती हूँ, ड्राई डैंड्रफ में क्या होता है कि आपकी जो स्कैल्प है उस पर बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं डेड स्किन के, राइट. और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइट इन कलर होते हैं, जबकि जो ऑयली स्किन वाले होते हैं या ऑयली जो डैंड्रफ फ्लेक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो स्कैल्प पर जो आपके ड्राई फ्लेक्स होते हैं डेड स्किन के, वो थोड़े से क्वाइट थोड़े से बड़े होते हैं. मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर शो कर दूंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है. तो वो थोड़े से बड़े होते हैं, वो थोड़े से येलो होते हैं. दोनों ही प्रॉब्लम्स में आपकी स्किन जो होती है वो थोड़ी इची होती है. उसके अलावा जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको ड्राई स्कैल्प की वजह से बॉडी के और भी जगहों की जो स्किन होती है लाइक हाथों की, पैरों की, यू नो फेस की, वो भी ड्राई हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट ड्राई डैंड्रफ. और जो ऑयली वाले होते हैं उनकी स्किन पे लाइक फॉरहेड्स पे, बॉयज को मुस्टैचेस पे, शेव पे, यू नो, और आईब्रोज पे भी बहुत ज़्यादा दाने होने लग जाते हैं. उसकी वजह यही है कि उनको ऑयली वाला डैंड्रफ होता है, राइट. तो इसके अलावा आपको क्या करना है, एक तो ये हो गया हम लोग की दो तरीके के डैंड्रफ टाइप्स. अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको कौन सा वाला डैंड्रफ है. दोनों ही डैंड्रफ में एक सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों ही डैंड्रफ में क्या होता है कि आपकी जो स्कैल्प है उस पर से डेड स्किन ऑब्वियस है वो निकलती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट इज ओनली कॉल्ड अ डैंड्रफ. उसके अलावा आप लोगों की स्किन पे बहुत सारे दाने हो जाते हैं, लाइक फॉरहेड पे बहुत छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, शेव करवाने के बाद लड़कों को बहुत ज़्यादा करके दाने हो जाते हैं, बिकॉज वो डैंड्रफ जब आपके फॉरहेड पे या शेव पे या मुस्टैचेस पे या आईब्रोज पे जब गिरता है तो उसकी वजह से आपको वो दाने होने की प्रॉब्लम होने लग जाती है. डैंड्रफ निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ. और इसके अलावा आपको जो ऑयली स्किन वाले हैं या ऑयली डैंड्रफ वाले जो लोग हैं उनके अंदर एक और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एंड दैट इज़ कि उनके जो स्कैल्प होता है वो स्लाइटली रेड होता है, एंड जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनका एक स्लाइटली येलो इन कलर होता है जो स्कैल्प होता है. नॉर्मली हम लोग का स्कैल्प जो होता है वो नॉर्मल स्किन टोन का कलर का होता है, बट ड्राई स्किन वालों में येलो होता है स्कैल्प एंड ऑयली वालों में थोड़ा सा रेड होता है. तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमको शैम्पू कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए. तो जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको शैम्पू कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू करने से हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्कैल्प की. ऑब्वियस है हमारे बाल थोड़े अच्छे हो जाते हैं, थोड़े यू नो पॉल्यूशन निकल जाता है, डर्ट निकल जाता है, बट ड्राई स्किन वालों को शैम्पू थोड़ा कम करना है और ऑयलिंग थोड़ी ज़्यादा करनी है. तो जो ड्राई स्किन वाले हैं वो ऑयलिंग ऑल्टरनेट डेज पर करिए और शैम्पू दो से तीन बार, दो बार ही इनफ है आई गेस. आप लोग से दो बार शैम्पू कीजिए एक हफ्ते में और दो ही बार कंडीशनर भी यूज़ कीजिए, राइट. और जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको क्या करना है कि उनको शैम्पू ज़्यादा करना है और ऑयलिंग कम करनी है. आप दो हफ्ते में एक बार भी अगर ऑयलिंग करेंगे तो दैट्स गोना बी इनफ. उसके अलावा आपको शैम्पू अल्टरनेट डेज पे करना है, करेक्ट. इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ अभी, और वो टिप्स आपको अपने साथ रखनी है जिससे कि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम या फिर यू नो कोई एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तब आपको ज़्यादा करके एक्ने की भी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट डैंड्रफ. तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ टिप्स कि आपको क्या करना चाहिए टू अवॉइड योर डैंड्रफ. तो सबसे पहले तो आपको अपना पिलो कवर, आपके कॉम्ब्स, आपकी टॉवल्स और आप कैप्स, बॉयज अगर कैप यूज़ करते हैं तो वो कैप्स आप लोग उसको रेगुलर बेसिस पे वॉश कीजिए. आप अगर पिलो कवर रोज़ वॉश नहीं कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम गाइज, आप अपने पिलो के ऊपर एक छोटा सा इतना सा टॉवल आप उसके ऊपर रख लीजिए, उसके ऊपर रख मतलब पिलो के ऊपर उसको रख करके उसके बाद सोया कीजिए. और हर ऑल्टरनेट डेज पे या अगर आप रेगुलर धो सकते हैं तो आप उसको रेगुलरली नॉर्मल पानी से भी वॉश करेंगे तो भी ठीक रहेगा. उससे आपका जो डैंड्रफ है वो वापस से आपकी स्किन पे नहीं जाएगा और ना ही आपके स्कैल्प पे पहुंचेगा. आपको कॉम्स रोज, जो भी कॉम आप रोज में यूज़ करते हैं आपको उनको डेली वॉश करना है. आपको टॉवल्स वॉश करनी है अपनी, जो भी आप टॉवल यूज़ करते हैं. टॉवल हम लोग रोज़ वॉश नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप
तीन दिन में एक बार या चार दिन में एक बार तो डेफिनेटली उसको वॉश करिए ही करिए। अगर बॉयज आप कैप पहनते हैं, कोई भी करके कैप आप पहनते हैं, या यू नो कोई आप हेड्स पे कोई कुछ कुछ लड़के कपड़ा वगैरह बांधते हैं, तो आप उनको वॉश रेगुलरली करिए, भले पानी से करिए बट प्लीज़ उनको वॉश जरूर करिए। उसके अलावा जो मैं दूसरी चीज़ बताने वाली हूँ आपको, ये कि आप शैम्पूज एंड कंडीशनर हम सब यूज़ करते हैं, तो ट्राई टू यूज़ अ सेम ब्रांड शैम्पू एंड अ सेम ब्रांड कंडीशनर। उससे क्या होगा कि जो जो शैम्पू एंड आप कंडीशनर जो सेम ब्रांड का अगर आप यूज़ करते हैं, तो उससे एक तो आपका जो इंग्रेडिएंट्स हैं दोनों चीज़ों में वो क्वाइट सिमिलर होते हैं और एक ही फॉर्मुलेशन होता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है आपकी स्किन के लिए। और एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए, जितने भी डैंड्रफ वाले हैं डजेंट मैटर कि वो ड्राई है या ऑयली है, आप सब एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए फॉर बेटर रिजल्ट। ऑयली स्किन वालों, ऑयली डैंड्रफ वालों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें। मैं लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी कि कौन सा शैम्पू अच्छा है कौन सा नहीं। तो ऑयली स्किन वाले जो है वो थोड़ा सा हार्ड डैंड्रफ यूज़ कर सकते हैं, आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं अपनी स्कैल्प के लिए, अपने हेयर्स के लिए। और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए, दैट्स गोना बी अ गुड। और सेम कंपनी का अगर आप कंडीशनर और सेम कंपनी का अगर आप शैम्पू लेते हैं, तो दैट्स गोना बी अ वेरी वेरी गुड एंड अ वेरी बेटर रिजल्ट फॉर यू। अनदर थिंग इज़ कि आप अपने यू नो अपने शैम्पू में, अपनी ऑयलिंग में, अपने कंडीशनर में, किसी भी में भी आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल का यूज़ जरूर करिए। टी ट्री एसेंशियल ऑयल इज़ वेरी वेरी गुड फॉर स्किन, फॉर एक्ने प्रॉब्लम्स, फॉर पिम्पल्स एंड फॉर डैंड्रफ। आप अपने ऑयलिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसके शैम्पू में यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनर में नहीं करना चाहते तो नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर उसमें करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आप ये यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन पे, आपकी स्किन पे भी अच्छा इफेक्ट देता है और आपको डैंड्रफ को भी रिमूव करने में बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम किस बात करते हैं, तो ये कि आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी ही करनी चाहिए फॉर गुड रिजल्ट्स टू गेट अवॉइड यू नो आपको डैंड्रफ निकालना है अपने बालों में से और ऐसा कुछ करना है, तो आपको क्या करना है कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए जिनके अंदर टी ट्री ऑयल हो, डेफिनेटली हो ही हो। मतलब शैम्पूज और कंडीशनर्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसमें आपको ये देखना है कि किस में टी ट्री ऑयल है या किस में अनियन जूस है। राइट, आप डायरेक्ट अनियन जूस लगाते हैं, आई नो एवरीबडी ट्राई टू, मतलब यू नो सब एक बार कोशिश करते हैं कि अनियन जूस लगा करके हम अपने लेंथ बढ़ा सकते हैं बालों की, या फिर यू नो डैंड्रफ निकाल सकते हैं, तो आप वो भी करिए, डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स अपने शैम्पूज में या अपने कंडीशनर्स में देखिए जिसके अंदर अनियन जूस हो एंड टी ट्री ऑयल हो, ये दो बहुत बहुत ही अच्छे फॉर्मुलेशंस वाली चीज़ें हैं जो आपकी डैंड्रफ में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। उसके अलावा मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको बताने वाली हूँ जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डैंड्रफ के लिए। सो द फर्स्ट वन इज़ लॉरियल। लॉरियल मैं आपको सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैं आपको सिर्फ वर्बली अभी बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे कौन कौन से हैं जो आपको यूज़ करने हैं। एक लॉरियल का आता है, एक वाओ का शैम्पू आता है विच इज़ फॉर टी ट्री एंड ऑल्सो इट हैव एप्पल साइडर विनेगर एंड सो मच ऑफ अदर थिंग्स। एक बहुत ही सिंपल सा एक चीज़ आपको कर सकते हैं आप, वो ये कि आप अपना जो भी शैम्पू लेते हैं उसके अंदर आप एप्पल साइडर विनेगर अगर होता है, तो दैट्स गोना बी अ वेरी थिंग वेरी बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। उसके अलावा मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे शैम्पूज, कंडीशनर्स एंड ऑयलिंग थिंग्स सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि आप DIY यानी कि आप घर पे कुछ चीज़ें बना करके कैसे अपने डैंड्रफ को सही कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा एंड दैट इज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर के वहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको DIY थेरेपी बताया कि है डैंड्रफ के लिए, आप उसको चेक कर लीजिए अगर आपको कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करना है। तो अगर आपको कॉस्मेटिक में अगर विश्वास है, कॉस्मेटिक यूज़ करना चाहते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। जो भी आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हो, आपको ठीक लगता है, अफोर्डेबल लगता है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अफोर्डेबल शैम्पूज एंड कंडीशनर्स भी बताए हैं और प्राइसी साइड के भी बताए हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है आपके लिए आप उनको ले सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, इट्स इंस्टाग्राम नेम इज़ MUAMATAI7, आप वहाँ जाकर के भी DIY देख सकते हैं अपने डैंड्रफ के लिए। और अगर आपको मैं नेम से नहीं मिलती हूँ तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग स्किन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बॉडी केयर, प्रोडक्ट रिव्यू, मेकअप, एनीथिंग, आप मुझे DM कर सकते हैं ओवर दैट इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Please do like, share and subscribe to my channel, to my videos. If you like this, do that for me, please. Thank you so much for watching my video. I hope you are doing good and fantastic always. Bye. Love you all.